अस्सलाम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब लोग आज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं दिस सिल्वर और ग्लिटरी स्मोकी आइज एंड आई एम लविंग इट बहुत अच्छा लग गया है मैंने यूज की है जैकलीन हेल्थ की पैलेट दिस वन राइट तो अगर आपको जानना है कि आप मैंने किस तरह से क्रिएट किया है ये फुल कवरेज ग्लिटरी और ग्लैमर्स स्मोकी आईज तो आप क्या कहते हैं प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करना जो कि बिल्कुल फ्री है एंड मेरे चैनल को सपोर्ट करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें एंड लास्ट द ट्यूटोरियल नाउ आइए चलिए तो हमारा ट्यूटोरियल जो है शुरू करते हैं सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं ये प्यूटिफाइ है, अमना का प्राइमर जो कि प्रा, फॉर स्मूदिंग प्राइमर है आई रियली लव दिस वन एंड अब हम यूज़ करेंगे ग्लो लोशन बाय अल्फ़ ये भी प्राइमर ही है ये आपकी स्किन को जो है अंदर से ग्लो देता है और ग्लोई इफेक्ट देता है आपके चेहरे को और आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो अच्छा ऐसा लगता है कि अंदर से ग्लो कर रहा है सो so, इसीलिए मैं ये यूज़ करना जब मुझे कोई लुक चाहिए होता तो मैं हमेशा इसी को यूज़ करती हूँ और हम यूज़ करेंगे फैंटी ब्यूटी का फाउंडेशन ये है हाइड्रेटिंग फाउंडेशन मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो हमेशा जब भी मैं फाउंडेशन वगैरह यूज़ करती हूँ तो मैं मैट फाउंडेशन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ और अगर आपकी भी स्किन ड्राई है तो मैट फाउंडेशन से आप हमेशा दूर दूर रहें या तो फिर आप उसके पहले आप अपने चेहरे पर जरूर कोई ऑयल वगैरह लगा लें तो हम अपने पूरी फाउंडेशन को जो है अभी आपको लग रहा होगा कि, कि मैंने बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगा लिया है जो कि बहुत ज़्यादा ही लग गया था लेकिन बाद में थोड़ा सेट हो जाता है ये फाउंडेशन लगाने के बाद जो है ये सही से सेट हो जाता है तो आप कभी ये ना सोचें कि आपने बहुत ज़्यादा लगा लिया है या ज़्यादा लगा लिया तो भले ही ऑफकोर्स आप कम कर लें लेकिन ब्लेंड वगैरह करने के बाद जो है ये अच्छे से, से सेट हो जाता है और मेक श्योर करें कि आप अपनी गर्दन के ऊपर भी फाउंडेशन अच्छे से लगा लें वरना गर्दन अलग और चेहरा अलग फिर नजर आता है तो वो अच्छा नहीं लगता अब हम यूज़ करेंगे कंसीलर कंसीलर में यूज़ कर रही हूँ मिलानी का कंसीलर जो कि है बेज कलर के अंदर और ये कंसीलर बहुत ही अच्छा है और सॉफ्ट है और मुझे बहुत ही पसंद है ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है अब मैं इसकी जो है नया पैकेज नया बाय करूँगी और इसको हम अपने ब्यूटी ब्लेंडर से जो है इसको हम कर लेंगे ब्लेंड और मेक शो करेंगे अब अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करें हर तरफ से क्योंकि ये जो है इसका, इसका स्पेशली काम तो यही होता है कि आपके डार्क सर्कल्स को ख़त्म करें और दूसरा काम ये होता है कि इसको अच्छे से जो है आपके एक्निक स्कार्स वग़ैरह है उस पर भी इसको लगा सकते हैं और अच्छे से उसको कवर uh, कर सकते हैं अपने डार्क से स्पॉट्स को अगर आपकी कोई भी स्कारिंग वगैरह है अब हम अपने अंडर आइस को सेट कर लेंगे तो मिक्सर करें कि आप कंसीलर लगाने के फ़ौर बाद ही आप अपने अंडर आइस को सेट कर लें उसको क्रीज होने से पहले ही उसको सेट कर लें फौरन क्योंकि उसको सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंसीलर लगाने का मकसद यही होता है कि आप अपने अंडर आइस को uh, क्रीज़ होने से बचाएं और आपके जो अंडर आइस में जो पफीनेस है और जो ड्राई स्किन है सबको नज़र ना आए तो मेक करें कि आप उसको अच्छे से सेट से करें और मैं पफ़ के मदद से ही अपने पूरे फेस को भी सेट कर लूँगी मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन uh, का पाउडर लूज पाउडर है एंड आई रियली रियली लाइक दैट ये पाउडर बहुत ही अच्छा है आप कहीं से भी बाई कर सकते हैं इसको किसी भी नाहिद मार्केट वगैरह से और हर जगह ये मिल जाता है अवेलेबल तो मेक मेकशो करेंगे अब अपने नेक पर अगर आपने फाउंडेशन डाला है तो आप वहाँ पर भी इसको सेट कर लें अच्छे से क्योंकि कभी कभार पसीना आता है तो फाउंडेशन जो है बहने शुरू हो जाता है तो अगर आप पाउडर से उसको सेट कर लेंगे तो वो बहेगा नहीं तो आप देख सकते हैं मैंने अपना जो है पूरा फेस फेस जो है सेट कर दिया है फेस <laughs> व्हाट इज़ फेस अब हम करेंगे हमारी आईज आई मीन आई ब्राउज़ हो गई हैं डन आई मैं हमेशा जो है ऑफ़ द कैमरा करती हूँ क्योंकि बहुत मुझे टाइम लग जाता है उनको करने में और हमेशा ख़राब हो जाती हैं तो इस वजह से मैं इसको ऑफ़ द कैमरा ही करती हूँ अब हमें यूज़ लेंगे हमारा कवर कल का ब्लश हाईलाइट एंड ब्राउनज़र तो ये ब्लश बहुत ही अच्छा है पिंकी ब्लश है पीची ब्लश नहीं है ये और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस लाइक रियली नाइस एंड सॉफ्ट पिंकी कलर है इसका और इसको अच्छे से आपने अपने चेहरे पे और नोज़ पे भी लगा लेना है तो उससे बहुत अच्छा चेहरे पे नेचुरल फ्लश आ जाता है चेहरे पर जो कि बहुत अच्छा लगता है तो इस तरह से आप अपने इसको नोज पर भी लगा लेना है अब हम यूज़ करेंगे हमारा कंटोरिंग uh, शेड और ब्राउन्सिंग uh, शेड हम लगा लेंगे हल्के से ब्राउन्जर लगा लेंगे क्योंकि अब आप देख सकते हैं हमारा चेहरा जो है बहुत वाइट हो गया है हर जगह से बहुत ज़्यादा वो हल्का हल्का लग रहा है तो हम इसको ब्राउन्जर से सही से, से सेट कर लेंगे तो ये है कि आपका हर जगह हर तरफ से जो है चेहरा बैलेंस हो जाएगा जो वाइट लाइट जो है वो सिर्फ आपके सेंटर ऑफ द फेस से आनी चाहिए और साइड का जो है आप अच्छे से उसको ब्राउन कर सकते हैं तो वो सारा अंदर घुस जाएगा होपफुली uh, आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ तो इसी तरह से जो है मैं अपना मेकअप करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरा ब्राइटनेस जो है मेरे सेंटर ऑफ द फेस से निकले और जो सारा ब्रॉन्जिंग uh, है वो साइडों से निकले तो दिस इज वॉट एक्चुअली आई ड्यू तो इससे जो है आपका चेहरा बहुत अच्छा सा और लंबा लगता है और ब्राइट लगता है अब हम यूज़ कर लेंगे ये हाइलाइटर इसका लाइटर हाइलाइटर जो है शैमपीनी और पी uh, इसमें हल्की सी पिंकी ट्यू है इतनी मच पिंकी नहीं है बट इट्स रियली नाइस एंड सॉफ्ट काने के बाद जो है आपकी स्किन के टेक्सचर को जो है ये वाजे नहीं करता है तो हम थोड़ा सा फॉर पे अपने हाई हाँ, हाँ, पॉइंट्स ऑफ द चीक्स पे हर जगह हम इसको लगा लेंगे इसी तरह से और आप देख सकते हैं मेरा हो गया है फेस ऑलमोस्ट मोस्टन अब हम यूज करेंगे जैकलिन हिल पैलेट बाय मोर्फी जैकलिन हिल की सबसे पहली पैलेट थी जो कि मैंने बाय की थी मोर्फी से और मोर्फी की भी मेरी पहली ही पैलेट थी एंड आई लव दिस पैलेट टिल टू डेट ये मुझे बहुत ही पसंद है और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे दीज टू शेड्स ब्राउनिश शेड्स हम लगा लेंगे इसको अपने क्रीज़ एरिया के अंदर अब मैं कह रही हूँ सिल्वरी स्मोकी आयल लुक जैसे कि आपने इंट्रो में देखा होगा तो हम लगा लेंगे इसको अपनी क्रीज़ एरिया पे अब मेक शो करेंगे क्रीज़ ये शेड जो है आप अच्छे से उसको लगा कर और ब्लेंड कर लें इस तरह से बिल्कुल ताकि आपकी आइस के ऊपर जो है कोई भी लाइन और क्रीसीज वगैरह है वो नॉन नजर आए और अच्छे से ये जो बार नेक्स्ट शेड होगा वो अच्छे से ऊपर लग जाएगा और ब्लेंड हो जाएगा तो आप इस तरह से बिल्कुल क्रीस शेड लगा लें और अच्छे से इसको ब्लेंड करें मेक श्योर करेंगे यू ब्लेंडेड 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 रियली वेल अगला शेड जो है हम यूज़ करेंगे ये ग्रेइश कलर और इसको हम लगा लेंगे हमारी पूरी आईलेट पर ऑल द वे टू द लास्ट कॉर्नर बिल्कुल इस तरह से आप अपने इसको पूरे आईलेट पर इसको लगा लेना है और ये बहुत ही अच्छा सिल्वरी शेड है लेकिन लिटिल बट इसके अंदर पिंक एंड टोन्स है जो कि इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही और बहुत अच्छा जो है ये अच्छा लग रहा था आँखों पर बिल्कुल सिल्वरी टू मच सिल्वरी नहीं था बट लाइक सिल्वर का थोड़ा सा लेवल डाउन आप समझ लें इट्स लाइक नॉट टू तू सिल्वरी तो अब इसको हम थोड़ा सा डीप करने के लिए हम यूज़ करेंगे डीज टू शेड्स ये भी ब्राउन और थोड़े से डीप ब्लैक और नॉट ब्लैक नहीं है लाइक तो डीप ब्राउन है और डीप ग्रीन टाइप के शेड्स थे तो इसके अंदर भी ऑलमोस्ट ब्लैकिश काइंड ऑफ kind of ग्रे था डीप ग्रे टाइप का जो शेड होता है वो लगा लेंगे हम आउटर कॉर्नर्स पे और अंडर आइज पे भी लैशेस के भी हम नीचे लगा लेंगे हम इसको शेड को ताकि थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट आ जाएगा और सारा जो है सीमलेस और बलेंडेड लुक लगेगा ऐसा नहीं लगेगा कि बस आपने एक जगह आई शेडो लगा लिया है और बाकी नहीं लगाया है थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट आ जाएगा आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से पूरी लेट होगी आपकी सिल्वर और सिर्फ आउटर कॉर्नर पे नॉट टू डीप डार्क बट थोड़ा सा डार्क और जो भी शेड वगैरह अगर, अगर आपके चीक्स पर कोई फॉल आउट हुआ होगा तो आप इसे क्लीन कर सकते हैं तो दिस इज़ द कम्प्लीटिड लुक नॉट कम्प्लीट इट लुक आई मीन लाइक इट बस वो शेड लगाने के बाद जो है ब्लैंड करने के बाद दिस इज हाउ इट्स शेड लुक और इन्हे कोर्नर्स पर लगा लेंगे हम दिस टू शेड्स और इनर कॉर्स पे लगाएंगे और हम लगाएंगे ये हमारी ब्राउ बोन पे अगर आपका ये एक अच्छी सी बहुत ट्रिक है अगर आपका जो ब्लेंडिंग शेड है क्रिस शेड है वो ज़्यादा ऊपर चले गया है तो आप इस तरह से कोई भी लाइट शेड लेकर और आप उस पर अपनी ब्राउ बोन पे लगा लें और उसको नीचे ब्लेंड कर दें तो वो उससे काफ़ी हद तक कम हो जाता है और उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है मैं हमेशा यूज़ करती हूँ और दूसरा जो शेड है वो हम लगा लेंगे हमारे इनर कॉर्नर्स पे इससे जो है आपकी आइज़ जो है ब्राइट लगती है और ओपन लगती है और डल नहीं लगती अब द स्टार ऑफ द शो है कवर गर्ल का ये ग्लिटर जो कि बहुत ही इजी है इसको लगाना पूरी आइज़ पे मैं इसको लगा दूँगी नॉट आउटर कॉर्नर्स लेकिन फ्रंट हाफ़ पे मैं इसको लगा दूँगी और इससे जो है बहुत ही अच्छे से ग्लिटरी इफ़ेक्ट आएगा आपकी आइज़ पे आपको पता है अगर आप मेरी वीडियोस वॉच करते हैं तो मुझे ग्लिटर बहुत ही पसंद है हर तरह का ग्लिटर है प्रेस ग्लिटर है मेरे पास और इस तरह का ट्यूब में ग्लिटर है तो इस ये लगाना बहुत ही आसान ग्लिटर है अगर आपको लूज़ ग्लिटर नहीं लगा सकते हैं तो ये एक बेहतरीन तरीका है ग्लिटर यूज़ करने का और इसको कुछ नहीं करना आपने जो भी आई शेड यूज़ करा है उसके ऊपर बस आपको ये ग्लिटर लगा दें और उसको ड्राई कर दें एंड दैट्स इट यू आर गुड टू गो एंड ये ये जो है ग्लिटर सिल्वर ही सेम टोन का था जो कि मैंने अंडर आई शेडो लगाया हुआ था सिमिलर टोन ही था तो इसी वजह से ही मैंने ये शेड यूज़ किया है और अब मैंने लगा ली है हमारी लैशेस लैशेस मैंने ऑफ़ कैमरा लगाई हैं बिकॉज मुझे बहुत टाइम लग गया था लैशेस लगाने में मैंने अगर वीडियो में मैं लगाने दिखाऊंगी कि लैशेज मैंने किस तरह से लगाई हैं तो एक घंटे की वीडियो बन जाएगी तो इस वजह से जो है मैंने बस लैशेस जो है ऑफ कैमरा लगाई हैं और लैशेस का जो बैंड है बस मैं उसको आईलाइनर की मदद से थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ आईलाइनर लाइनर मैं नहीं लगाया है सिर्फ मैंने ऊपर क्लीन किया है अब हम यूज़ करेंगे मे की स्टे मैट लिपस्टिक जो कि इसे डक्स ट्रेस इसका शेड है बिल्कुल न्यूड पिंकी शेड है और ये हम लगाएंगे ये पूरी मैट लिपस्टिक है इसके अंदर कोई शाइन वगैरह कुछ नहीं है और हम लगा लेंगे इसके ऊपर हमारा क्लियर लिप ग्लॉस आप कोई भी क्लियर लिप ग्लॉस लगा सकते हैं काफ़ी टाइम हो गई तो मैं हमेशा जो है मैट लिपस्टिक लगाती हूँ तो मैंने सोचा कि चलें इस दफ़ा हम थोड़ा चेंज लाते हैं और लिप ग्लॉस यूज़ करते हैं और अब देख सकते हैं मेरे चीज से लिप्स द क्लेर लिप्स वॉस बहुत अमेजिंग होता है सो दिस इज दम्पलीटेड लुक गाइज आई होप यू गैस इन्जॉय डिट एंड होपली आपने इस मे वीडियो से कुछ ना कुछ मेकअप ट्रिप्स एंड ट्रिक्स सीखी हो तो so, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और मेरी आ, चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को शेयर करें और या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होप यू गैस एन्जॉय एवरी थिंग एंड या थैंक यू सो मच टेक केयर अल्लाह हाफ बाय